मुझे गर्व है कि मैं जाट की बेटी हूँ। वीर तेजाजी महाराज भी जाट समाज में जन्म लिया, और जन्म ही नहीं लिया, गौ सेवा करके उन्होंने अपना बलिदान किया, वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के खरनाल की इस पवित्र भूमि को नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ जहाँ वचनों के लिए, वचनों की रक्षा के लिए सिर कट जाते हैं लेकिन सिर झुकते नहीं। मैं नमन करती हूँ मरुद, इस मारवाड़ की मरुधरा को। मुझे राष्ट्रीय कवि सोहन चौधरी जी की एक कविता के कुछ पंक्तियां याद आती हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। धोलिया घर अवतारी तेजा जी ने सिमरा, धोलिया घर अवतारी तेजा जी ने समरा, सगला हिल मिल तेजा जी ने नमन करा, सगला हिल मिल तेजा जी ने नमन करा। बोलो वीर तेजा जी महाराज की। आज भव्य तेजा जी मंदिर के निर्माण की इस शुभ बेला में जो शिलान्यास का प्रोग्राम कार्यक्रम है, इसमें पधारे मुख्य अतिथि चौटाले जी और सम्मानित मंच पधारे युवा साथियों, महिला साथियों और मीडिया कर्मियों, आज हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हम इस शिलान्यास के द्योतक हैं। आज महिलाओं को और युवा साथियों को अंदर जो ये उत्साह और उमंग देख रही हूँ, उसे देखकर लग रहा है कि हमारा समाज भी धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि धर्म रक्षति रक्षित है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं ईश्वर, धर्म उनकी रक्षा करता है। जब से हमारे समाज में धार्मिकता आने लगी है, तब से हम देख रहे हैं कि इसमें सभ्यता, शालीनता और संपन्नता भी बढ़ती जा रही है। बचपन में हमें ये महसूस कराया जाता था कि धार्मिक कार्यक्रम तो ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व है, हम तो जाट हैं, परिश्रम करना, मेहनत करना हमारा काम है, धूल में माथा देना हमारा काम है। लेकिन आज जब कहीं भी हम नजर उठा के देखते हैं तो हमारा सिर गर्व से उठता है। सेना में, नेवी में, एयरफोर्स में हमारे बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे बेटे और बेटियां राष्ट्र की, स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, ओलंपिक में पदम सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चे लेकर के देश का नाम पूरे विदेश में रोशन कर रहे हैं। ये जो हमारा समाज है, इसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जितने जो संस्कार हैं, ये सब जो है हमारे पूर्वजों की देन है। तेजाजी महाराज ने जो हजार साल पहले गोरक्षा का जो उदाहरण हमारे सामने पेश किया, वचनों की रक्षा, वचनबद्ध होकर के जो उदाहरण हमारे सामने पेश किया, आज हम वही कहानियां पढ़ते पढ़ते बड़े हुए और हमारे संस्कारों में ये चीज आ गई है। जब लाचा गुजरी ने गायों को लाने के लिए कहा, तो तेजाजी ने अकेले होकर भी लुटेरों को वीरता दिखाते हुए उन गायों को लेकर के आए और बोला कि ले गुजरी तेरी गायें गिन ले। तो लाचा गुजरी ने कहा एक केलडा रह गया, उसके लिए भी तेजाजी ने मना नहीं किया और जाके फिर से उन लुटेरों से भिड़ गए। इस बार काफी घायल हो गए, लेकिन फिर भी इसी समय के दौरान उन्होंने एक काले नाग को, क्योंकि वचन दिया था, तो इस घायल अवस्था में भी वापस वो नाग के पास जाते हैं और बोलते हैं, बांबी बारे आजा बासक ले डसले, बांबी बारे आजा बासक ले डसले, बचना को बांध्यो तेजल आयो ले डसले। उस समय बासक नाग भी अचंभित हो जाता है कि ऐसा कौन आ गया जो मरने के लिए आ गया, एक छोटी सी बात के लिए, ये तो कोई जाट ही हो सकता है। तो बासक नाग ने जो बोला वो समाज सुनिए, असल जाट नहीं जायो तू, बचना खातर पाछो मरने आयो तू। ये सब जो प्रसंग है वो हमें अपने जो इतिहास है
उसमें गर्व करने वाले हैं, गर्व की अनुभूति कराते हैं। अभी जीवन क्या है? जीवन नश्वर है, क्षणिक है, एक पत्ते के ऊपर पड़ी पानी के बूंद के समान है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्षण हम जीते हैं वो क्षणिक नहीं है। वो क्षण अगर हमने अच्छे से जिए हैं तो इतिहास में अमर हो जाते हैं। वीर तेजाजी ने जीवन के अमूल्य मूल्यों के साथ में अपने वचनों की रक्षा के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए जो काम किए, उसके कारण आज से हजार साल पहले मात्र 30 साल की उम्र उन्होंने पाई, लेकिन आज अजर और अमर हो गए और हमारे लोक देवता बन गए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी वीर तेजाजी महाराज की जयकारे के साथ। बोलो, वीर तेजाजी महाराज की जय हो।